तीनों भाई में अटूट प्यार और प्रेम था, ये पूरे बिहार के लोग जानते थे। ये मेरा दुर्भाग्य हुआ कि बड़े भैया भी और छोटे भाई भी दोनों मुझको छोड़ के अकेले छोड़ दिए, और कभी भी उनके सफ़ेद कपड़े पर दाग नहीं लगा। आज जो मोबाइल आपके हाथ में है वो पासवान जी का देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं लोजपा पशुपति पारस नाथ के यहाँ मौजूद हूँ और आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज उनकी दूसरी बरखी है और मनाई जा रही है। हालांकि उनके भाई के यहाँ भी बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और चिराग पासवान जो कि खगड़िया में पहुँचे हुए हैं, जो उनका अपना जो गाँव है, घर है, वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मूर्ति का अनावरण भी किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे मौजूद हैं। आप बात कर ले पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, विजय सिन्हा और नितिन नवीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं। पशुपति पारस नाथ भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में। देखिए, पुरानी बातें तो बहुत याद आती है, और हम तीन भाई थे, तीनों भाई में अटूट प्यार और प्रेम था, ये पूरे बिहार के लोग जानते थे। ये मेरा दुर्भाग्य हुआ कि बड़े भैया भी और छोटे भाई भी दोनों मुझको छोड़ के अकेले छोड़ दिए। पासवान जी देश के मानचित्र पर एक बड़े नेता थे। कुछ लोग कहते हैं कि दलितों के नेता थे, मैं नहीं मानता हूँ, वो सभी जात धर्म के नेता थे। और 52 वर्ष तक पार्लियामेंट्री लाइफ है उनका व्यतीत हुआ, और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला, और कभी भी उनके सफ़ेद कपड़े पर दाग नहीं लगा। आज जो मोबाइल आपके हाथ में है वो पासवान जी का देन है। हाजीपुर में जोनल ऑफिस उन्होंने खुलवाया जब रेल मंत्री थे, तब मंडल कमीशन लागू हुआ पूरे देश में, ये पासवान जी का देन है। तो जब जब भी उनको मौका मिला तब तब उन्होंने देश की सेवा की और गरीबों की सेवा की, गरीब के, दलित के, अकलियत के, पिछड़ी जाति के, ऊंची जाति के, गरीब लोगों के, सबके वो हिमायती थे। हमारे पार्टी के संविधान में उन्होंने दर्ज किया था कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनको भी 15% आरक्षण मिलनी चाहिए, और देर सवेर मिला, 15 नहीं मिला, 10 मिला। वो सबों के मसीहा थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, मुझको तो मैं निसहाय हो गया हूँ, लेकिन पूरे देश और खास कर बिहार की जनता को अफसोस है उनके प्रति। इतने अच्छे नेता शायद भविष्य में सेकंड रामविलास पासवान पैदा नहीं होगा, और उनको प्यार से लोग सेकंड अम्बेडकर भी बड़ा करते थे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, ये द्वितीय पुण्यतिथि है, उनको मैं श्रद्धा अर्पित किया हूँ हम लोग बिहार के। देखिए, शून्य से शिखर पर अपने कर्म से राजनीति में जो वो स्थान बनाए और हर गरीबों की आवाज़ बनकर गरीबों के प्रेरणा स्रोत बने, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो उन्होंने A to Z कहने वाले लोगों को करनी कथनी में जिसका कभी मेल नहीं खाया उसको छोड़कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ताकत को मजबूत करने के लिए जिस तरह से कदम बढ़ाए, आज राष्ट्र उस राष्ट्रवाद की सबलता और प्रबलता की ओर कदम बढ़ाया है, और आज इनके पुण्यतिथि पर हम सब लोग प्रेरणा प्राप्त करके उस राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करें, सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।